हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 31 टैक। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये नहीं पता कि पेटीएम क्या है, उस पे अकाउंट कैसे बनाते हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ कि आप अपने पेटीएम पर अपना अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। इसमें आपको सबसे पहले प्ले स्टोर के अंदर जाना है, प्ले स्टोर ओपन करना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है पेटीएम। पेटीएम पे क्लिक कर देना है, आपको सर्च करना है। उसके बाद आपको ये पेटीएम एप्लीकेशन दिख जाएगी यहाँ पे। इसे आपको अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर लेना है। मैंने इसे इंस्टॉल किया हुआ है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इंस्टॉल करने के बाद ये आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगी अपनी ऐप्स के अंदर। इसके बाद आपको इस पे क्लिक करना है। उसके बाद ये ओपन होएगी इस तरीके से। ये ओपन हो चुकी है। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। मैं भी अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद आपको प्रोसीड सिक्योरली पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ये नोटिफिकेशन आएगा, इसको आपको अलाउ करना है। इसको भी आपको अलाउ करना है। ये कह रहा है कि अलाउ पेटीएम टू सेंड एंड व्यू एसएमएस मैसेजेस, तो इसको हम अलाउ कर देते हैं। उसके बाद ये इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। ये ऑटोमेटिक वेरीफाई कर लेगा क्योंकि अब इसमें ओटीपी नहीं आया, क्योंकि इसी मोबाइल से हम और यही नंबर है तो इसी में हम पेटीएम बना रहे हैं, इसलिए इसमें ओटीपी नहीं आया। अगर आप किसी और फ़ोन नंबर से बनाएंगे जो इसमें ना हो आपके फ़ोन में, तो उस पर ओटीपी चला जाएगा। ठीक है। इसके बाद आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये बोल रहा है पे डायरेक्टली फ्रॉम बैंक अकाउंट एंड गेट अप टू 1000 कैश बैक, नो वैलिड केवाईसी नीडेड। तो आपको 1000 तक का कैश बैक मिल जाता है। ठीक है। और उसके लिए आपको केवाईसी की भी ज़रूरत नहीं होती। इसमें आप सेंड मनी टू एनी मोबाइल नंबर कर सकते हैं, बैंक अकाउंट कर सकते हैं और यूपीआई आईडी भी कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं मनी इन बैंक अकाउंट यूजिंग मोबाइल नंबर और यूपीआई आईडी, अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं। उसके बाद स्कैन कर सकते हैं एनी यूपीआई क्यूआर टू पे एट शॉप्स और पे ऑन योर फेवरेट ऐप्स और वेबसाइट्स। ये सारे ऑप्शंस हैं इसमें। भी हमें अभी लिंक नहीं करना है, तो हम आई विल लिंक बैंक अकाउंट लेटर पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन ओपन हो जाएगी, देख सकते हैं यहाँ पे। ये आपकी प्रोफाइल है, यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना अकाउंट पेटीएम अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। और इसमें फिर मिनी केवाईसी कैसे करते हैं और केवाईसी कैसे करते हैं फुल वाला, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।